हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सिम्पिरिन एंड सीमाप्रिया থেকে আপনাদের নমস্কার। তো আজকে আমি মানে বলো যে আমি এতদিন চিকেন পক্সে ভুগছিলাম, এখন আমি অনেকটাই সুস্থ। তো আমি আজকে আমি কিছু ছবি এঁকেছি, তো সেটাই তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করব। তো দেখাই প্রথমে কি দেখাবো। প্রথমে তোমাকে দেখো, আমাকে দাও, আমি ধরছি। নাম বলো। তো এইটা হলো কি, আমি বলছি आप लोग देख सकते हो हमारे छोटी बेटी को। तो छोटी बेटी जो हमारे पुराने व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, उनको पता है कि कुछ दिनों से, 9 या 10 दिनों से हमारे छोटी बेटी चिकन पॉक्स बीमारी से झेल रहे थे। तो वो अभी स्वस्थ है और उन्होंने कुछ पिक्चर्स बनाए हैं। तो मैंने उसको उनको कहा कि तुम हमारे फ्रेंड्स के साथ, हमारे ये छोटी फैमिली के साथ शेयर करो। तो ये पहले उनको दिखा रहे हैं। तो जब वो बीमार थे, जब उनका समय नहीं बिताया जाता, क्या करे क्या करे, तो समय नहीं बिताया जाता, तो वो ऐसे पिक्चर बनाए हैं। पहले वो, ये है वो, ये है कुंदन चटर्जी, देख दो। और दूसरा पिक्चर है, ये है उनका पापा, उनका पापा है, दादू। ओ, ये दादू है। अच्छा, तो ये उनका उसका दादा है वो। हाँ, वो रख दो। और ये उनका उसका दादी है, तो दिखा रहा है। तो मैंने एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि हमारे जो ससुर जी है, उनका दादा, वो गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका पिक्चर बना दिया है। और ये है उनका पापा। हाँ, पापा, हाँ पापा। लेकिन देखिए, ये मूछा लगा रहे हैं, ये मूछ क्यों बनाया हो तुम? अब तुम्हारे पापा तो मूछ नहीं ही रखते। तो ठीक है, ये उनका पापा है, रख दो। फिर दिखाओ दूसरा पिक्चर। हाँ, ये है मम्मी यानि सीमा प्रिया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये उसका बड़ी बहन है कथा चटर्जी। ठीक है, रख दो। और ये उनका यानि नाना है, नाना का तस्वीर। ठीक है। और ये बस, ये नानी का पिक्चर है, ख़त्म हो गई। तो ये वो बनाए हैं। और मैंने उनको कहा कि कैमरा में आ जाओ। वो कैमरा में आने से शर्माता नहीं है, शर्मीलापन उसका उतना नहीं है। तो वो अभी ठीक हो गई है, इसलिए मैंने बोला जे आ जाओ। तो मैंने आज कुछ वीडियो नहीं डाली हूँ, बस ये पिक्चर शेयर किया कि मैंने, मेरा छोटी बेटी थोड़ा कोशिश तो किया है क्रियन के साथ। और चलिए, अब मैं आज के आपके साथ शेयर करूँगी कि आज लंच रूटीन, लंच जो हमने बनाए हैं, क्योंकि बहुत दिन बाद हमारे घर में आज मछली बनी है, क्योंकि उनका तो चिकन पॉक्स हुआ है। और यहाँ पे हमारा रीति रिवाज है, जो कोई घर में अगर किसी भी सदस्यों का चिकन पॉक्स हो, तो वो घर में मछली नहीं पकता, प्याज लहसुन का कोई खाना नहीं पकता, ऐसा कुछ। और तड़का, कोई भी खाने में तड़का और हल्दी नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसा ही कुछ रीति रिवाज है। तो इसीलिए इतना दिन हो गए, 5-6 दिन हो गए मैं कोई व्लॉग नहीं डाली। और ये जो आप शरीर में कोई साबुन, कोई शैम्पू इस्तेमाल नहीं कर सकते,
और मेरे बेटी भी नहीं कर सकते और मैं जो उनका माँ हूँ मैं भी नहीं कर सकती, इसलिए मैं खुद कैमरा में नहीं आना चाहूँगी। बट कल शुक्रवार हम खुद को सफाई करेंगे, एकदम बाल पूरा एकदम नहला के धोकर एकदम साफ़ सुथरा हो जाएंगे, फिर कैमरा के सामने आएंगे। तो चलिए देखिए आज इतने दिन बाद मछली पकाई है। मछली तो सभी पकाते हैं लेकिन क्या हो गया है, वो मछली डीप फ्रीज से मैंने नहीं निकाला, डीप फ्रीज में नहीं निकाला, वो डीप फ्रीज में रह गए थे। तो जो हम जो कुकिंग करने से आधा घंटा पहले मैंने डीप फ्रीज़र निकाला है, तो इतना जल्दी जल्दी कैसे मैंने सब कुछ मैनेज किया, क्योंकि वो तो आइस से एकदम भरा रहता है, चिपका रहता है एक दूसरे के साथ, पूरा मछली चिपका रहता है। तो इसीलिए कितना जल्दी जल्दी मैंने वो पूरा एकदम जो हुआ है पूरा मैनेज किया, वो मैं सबके साथ शेयर करूँगी। चलिए, और हाँ, जो कामरंगा बोलते हैं, कामरंगा का चटनी भी, रेसिपी भी हम दिखाएंगे आज। तो दोपहर का खाना बनाने के लिए हम किचन में आ गए हैं और ये हम पहले चटनी बना रहे हैं। तो ये कामरंगा बोलते हैं इस फल को, तो जो लोग अब जो भी स्टेट में बिलोंग करते हैं तो उस स्टेट के हिसाब से आप इस फल को किस नाम से पुकारते हैं कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर मुझको। और ये ठंड होने के लिए छोड़ दिया है कटोरी में, इसका उबलता हुआ पानी है। और मछली का कड़ी बनाएंगे, लेकिन मछली का कड़ी में एक बात है, सभी लोग खाना तो पकाते हैं लेकिन खाना बनाने का जो एक ट्विस्ट है, एक सभी सहज एक उपाय है वो अपनाता नहीं है। क्योंकि ये देखिए हम एक गलती कर बैठे हैं, ये 2-3 घंटा पहले डीप फ्रीज से मुझको निकलना चाहिए था इस मछली को, लेकिन मैंने आधा घंटा पहले निकल लिया और ये एकदम चिपका हुआ है एकदम आइस से, तो इसलिए मैंने इसको गर्म पानी से भिगो दिया है और यह से थोड़ा सा प्याज लाल लाल करके भून लिया है और अदरक जीरा और जो का हरी मिर्च होती है उसका पेस्ट मैंने डाल दिया है और इसमें कुछ टमाटर जाएंगे। तो टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए हम टमाटर के ऊपर नमक देंगे और ये कड़ी का कलर अच्छा आए, यानी एकदम लाल लाल आए, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने इसके शक्कर मिला रही हूँ, चीनी बोलते हैं इसको। और ये टमाटर के अंदर में ऊपर में ये नमक दूंगी, एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। तो एकदम ये जो मसाले हम भून रहे हैं एकदम लो हीट में हम इसको भून रहे हैं, लो आंच में। तो आप सोचेंगे ऐसा क्या ट्विस्ट है, ट्विस्ट मतलब पहले सभी लोग मछली को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं फिर कड़ी बनाते हैं, लेकिन मैंने पहले कड़ी बनाऊंगी और बाद में मछली को फ्राई करूंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लहसुन ग्रेट करके हम दिया है, लहसुन का फ्लेवर अच्छा लगता है कड़ी में, तो मैंने एकदम लास्ट में दिया है भुनने के एकदम लास्ट में। तो अब सूखे जो रूटीन मसाले होते हैं सूखे मसाले के बारी, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल दिगी मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, ये सभी आप जो क्वांटिटी एक होती है अपना हिसाब से वो आप दे सकते हैं, जैसा आपको ग्रेवी रखना है उतना ही आपको मसाले के क्वांटिटी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैंने अपने नज़र से हिसाब से दिया है। तो ये देखिए गर्म पानी देने के बाद ये देखिए आइस से जो चिपक गया था, तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पीस निकल आ रहा है, लेकिन हमारे दिक्कत हो रही है हाथ में इसको निकालने के लिए। तो हम 4 लोग हैं तो 4 पीसेस हम निकाल लेंगे। तो इसको कतला फिश बोलते हैं, यानी कतला मछली। तो कतला मछली का उसका वेट था करीब 1 किलो का, हाँ 1 किलो ही होगा, तो करीब 1 किलो होगा।
ग्रेवी बनाने के लिए पानी डाल रही हूँ। अब तो देख रही हो कि पीने वाला पानी है। और गरम मसाला, गरम मसाला घर में बनाने का फुर्सत नहीं मिला, इसलिए बाज़ार में जो रेडीमेड गरम मसाला मिलते हैं सरन राइस कंपनी का, वही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और बहुत दिनों बाद मछली पकड़ी है, 10 दिन बाद, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इतना दिनों तो हम एकदम भेज खा रहे थे बिना हल्दी के, बिना तड़के से, तो आज तड़के वाला खाना मिलेगा, हल्दी वाला खाना मिलेगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये जो कामरंगा थोड़ा सा हाथ से मसल लिया है, और 5 फ़ोरन हमने दिया है तड़का में। और ये मसलने के बाद जो पाल्प निकल आया वो मैंने दे दिया है, और थोड़ा सा इसमें हल्दी जाएंगे, पानी जाएंगे। और पानी बाहर से कोई अलग सा पानी नहीं है, जो उबलता हुआ पानी है कमरंगा का, उबलता हुआ पानी वो ही हम दे दिया है, और थोड़ा सा हल्दी। और फिर इसका जो मीठापन चाहिए, थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा खट्टास, तो मीठा के लिए थोड़ा सा चीनी। और इस चीनी को बैलेंस करने के लिए हम बाहर से थोड़ा सा नमक। तो इधर देखिए ग्रेवी मेरा तैयार है, और ग्रेवी के हिसाब से मैंने नमक दिया है, और फिर ग्रेवी बनके तैयार है। और ग्रेवी को मैंने अलग सा जो कटोरी है वो, इसको हम भगोने बोलते हैं, तो भगोने में हम ये देखिए उतार ले रही हूँ। और फिर इस कढ़ाई को अच्छी तरह पानी से धो के इसी कढ़ाई से हम फिश को फ्राई कर लेंगे, ठीक है, मछली को अच्छी तरह तल लेंगे। और साइड पे चटनी बनकर तैयार हो रही है, बस आज का लंच चटनी और मछली का कड़ी। तो मछली का कड़ी, आप सोच रहे इतनी बार मैं मछली का कड़ी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एक परिवार में जब 10 दिन बाद मछली पकड़ रही है, और उसका स्वभाव है, उसका जो खाने का जो अभ्यास है, अभ्यास में अगर वो मछली खाते हुए उसका आदत है, तो जब वो 10 दिन बाद हम मछली खाएंगे तो उसको अंदर एक अलग सी आनंद होगा। तो अब समझ लीजिए हम क्या बोलना चाहते हैं। तो बस ये कमरंगा का चटनी तैयार है। और ये जो हम मसाले दे रहे हैं, ये चटनी के मसाले हैं, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा धनिया, और एक सूखे मिर्च, थोड़ा सा सूखे मिर्च, और एक जो होती है तेज पत्ता, वो उसका सूखे मसाले हम बना कर रखे हैं एक छोटा सा डिब्बा में, वो हम चटनी का मसाले बोलते हैं, तो दे दिया है। और आज का वीडियो बहुत ही सिंपल, क्योंकि वो हमने बोल रहे थे ना कि हम एकदम कोई भी शैम्पू, कोई भी सोप हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए थोड़ा सा अलग से देख रही हूँ, तो अपना फेस लेकर कैमरा में नहीं आई हूँ, इसीलिए तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ जल्दी 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 ही जल्दी आपके सामने आऊँगी अपना फेस लेकर। और फिलहाल आज तो इस फूड व्लॉग्स को ही आपको देखना पड़ेगा। तो बस ये मछली को हम फ्राई कर लिया है, और फ्राई करने के बाद हम इस ग्रेवी में हम मिलाकर थोड़ा सा उबाल लेंगे। खौल आ जाने के बाद, 2-3 खौल आ जाने के बाद, फिर कटोरी में, यानी बड़े वाला कटोरी जिसको हम भगोने बोलते हैं, उस भगोने में हम शिफ्ट कर लेंगे। बस यही, क्योंकि सभी लोग पहले अच्छी तरह तेल को गरम करते हैं, सरसों का तेल गरम करते हैं, फिर हल्दी नमक लाल दिखी मिर्च पाउडर मिलाकर ये मछली को फ्राई करते हैं, फिर उसी तेल में, अगर तेल रह जाए तो कढ़ाई में, फिर उसी तेल में ग्रेवी बनाते हैं। लेकिन मैंने पूरा उल्टा कर दिया, जैसा है वैसा ही करना पड़ेगा।
जैसा आपका समय चल रहा है आपको वैसा ही व्यवस्था करना पड़ेगा। तो बस आजकल रूटीन ही, आप लोग का क्या खबर है कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। और आज का वीडियो बहुत बड़ा हो गई है, और ये देखिए चावल बन के पक रही है। तो चावल, मछली का कड़ी और कमरंगा का चटनी, तो कैसा लगा? नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपके सामने आऊँगी, ज़रूर, ये मेरा वादा है आपसे। थैंक यू।